अंकित गुप्ता क्या सच में बिग बॉस के घर से इस बार एलिमिनेट हो चुके हैं, घर से बेघर हो चुके हैं? ये तो आप लोगों ने काफी सारी जगहों पर, काफी सारे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने सुनी लिया होगा कि भैया एविक्शन हो चुकी है, अंकित गुप्ता के घर से बेघर हो चुके हैं। पर अभी भी जो है कंफर्मेशन नहीं मिल रही है किसी को, लोग जो है इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार कंफर्म क्या है, सही अपडेट क्या है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस अंकित गुप्ता की जैसी ये खबर आई तो मैंने ऐसा जल्दबाजी में जो है कि कोई भी अपडेट बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद ज्यादा काफी ज्यादा हैरान थी कि एक ही बंदे को कितनी बार ये लोग डेंजर में डालेंगे। शायद ये अपडेट जो है कहीं ना कहीं जो है उड़ती उड़ती खबरें हैं। तो मैंने अंकित गुप्ता की पीआर टीम से बात करने की कोशिश की और जब मैंने उनसे बात की तब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे ये बात बोली कि भाई अभी तक जो है कोई भी अपडेट उनकी आई नहीं है, उनके बारे में अभी तक उनको कोई जानकारी नहीं है। पर अभी जब उनसे बात की गई तब और भी ज्यादा जानकारी सामने निकल के आई, जहां पर मैंने अंकित गुप्ता के पीआर द्वारा हैंडल की गई उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी को देखा, जहां पर अंकित गुप्ता का एक टैग चल रहा है और वो टैग है नो अंकित नो बिग बॉस। तो ये टैग इसीलिए चलाया जा रहा है क्योंकि अंकित गुप्ता जो है घर से बेघर हो चुके हैं और उसके बाद ये टैग चलाया जा रहा है। अभी पीआर टीम को भी और अंकित जो है पीआर टीम के पास पहुंच चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं, इसीलिए जो है अंकित गुप्ता की स्टोरी पे इस टैग को जो है शेयर किया गया है पीआर टीम द्वारा और अंकित को सपोर्ट किया जा रहा है। तो अगर अंकित गुप्ता नहीं होते घर से बेघर, अगर ये बस उड़ती उड़ती खबरें रहती तो इन सब चीजों को वो इंकरेज नहीं करते, पीआर टीम जो है इन सब चीजों को इंकरेज नहीं करते। पर अभी खुद पीआर टीम जो है इस चीज को इंकरेज कर रही है और अपनी स्टोरी पे इस टैग को जो है लगातार डाल रही है कि भाई नो अंकित नो बिग बॉस। तो अंकित जो है घर से कन्फर्म एविक्ट हो चुके हैं, घर से बेघर हो चुके हैं। मैं बोलूंगी ये अनफेयर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो वोटिंग से निकालो, या तो जो वहां पर 25 लाख रुपए वाला सीन हुआ था, अगर प्रियंका 25 लाख रुपए चुन लेती, भाई अंकित को नहीं चुनती, फिर भी ये फेयर माना जाता। पर तुम अंकित को या किसी भी कंटेस्टेंट को इस तरीके से निकाल नहीं सकते क्योंकि ये जनता का शो है। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।